हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुशांत, आपका होस्ट और दोस्त। ला रहा हूं आपके लिए नया वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इस साल 2021 में उनका क्या प्लान है, कितने प्लेयर्स रिटेन हुए हैं, कितने प्लेयर्स नए ऐड हुए और कौन ऐड हुआ है इस टीम में। ये सबसे छोटा टीम है इस साल आईपीएल में, जिसमें सिर्फ 22 प्लेयर्स हैं। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। तो चलो शुरू करते आज का सफ़र रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कौन नए ऐड हुए इस टीम में। जैसे हमने कहा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सबसे छोटा टीम है, 22 प्लेयर्स का स्क्वाड है। ये 22 प्लेयर्स में से 10 प्लेयर्स नए ऐड हुए इस टीम में, 10 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स ट्रेड हुए, और ट्रेड हुए प्लेयर्स है डैनियल सेंस और हर्षल पटेल। इसके अलावा 8 नए चेहरे ऐड हुए इस टीम में, जो है काइल जेमिसन, ग्लैन मैक्सवेल इस साल आरसीबी के लिए खेलने वाले हैं, डैनियल क्रिस्टन आरसीबी के लिए खेलेंगे इस साल, मोहम्मद अज़हरुद्दीन, रजत पाटीदार, सचिन बेटी, स्ट्राइकर भारत और सुयश प्रभुदेसाई। ये 8 प्लेयर्स नए ऐड हुए इस साल आरसीबी टीम में। तो अभी हम देखेंगे कौन रिटेन हुआ है इस टीम में। इस साल आरसीबी ने रिटेन किए है 12 प्लेयर्स। 12 प्लेयर्स में से विराट कोहली जो कैप्टन है वो रिटेन है इस टीम में, एबी विलियर्स, एडम ज़ाम्पा, देवदत्त पडिक्कल, जॉस फिलिप, केन रिचर्डसन, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, पवन देशपांडे, शाहबाज अहमद, वॉशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल, ये रिटेन प्लेयर है इस साल आरसीबी टीम में। तो अभी हम देखेंगे किसको कितना सैलरी मिलने वाला है इस साल आईपीएल खेलने के लिए। तो शुरू करते हैं विराट कोहली जो कैप्टन है इस टीम के। इस साल विराट कोहली को मिलेंगे 17 crore rupees आईपीएल खेलने के लिए। नया एडिशन जो आया हुआ है इस टीम में काइल जेमिसन, उन्हें मिलेंगे 15 crore rupees। ग्लैन मैक्सवेल को मिलेंगे 14.25 crore rupees। एबी डिविलियर्स को मिलेंगे 11 crore rupees। युजवेंद्र चहल को मिलेंगे 6 crore rupees। डैनियल क्रिस्टन, उन्हें मिलेंगे 4.8 crore rupees। केन रिचर्डसन को मिलेंगे 4 crore rupees। वॉशिंगटन सुंदर, उन्हें मिलेंगे 3.2 crore rupees। नवदीप सैनी को मिलेंगे 3 crore rupees। मोहम्मद सिराज, उन्हें मिलेंगे 2.6 crore rupees। एडम ज़ाम्पा, उन्हें मिलेंगे 1.5 crore rupees। डैनियल सेंस, उन्हें मिलेंगे 30 lakh rupees। मोहम्मद अज़हरुद्दीन, उन्हें मिलेंगे 20 lakh rupees। रजत पाटीदार को मिलेंगे 20 lakh rupees। सचिन बेटी, उन्हें मिलेंगे 20 lakh rupees। स्रिकार भारत को मिलेंगे 20 lakh rupees। सुयश प्रभुदेसाई को भी मिलेंगे 20 lakh rupees। हर्षल पटेल, उन्हें मिलेंगे 20 lakh rupees। देवदत्त पडिक्कल को भी मिलेंगे 20 lakh rupees। जॉस फिलिप, उन्हें मिलेंगे 20 lakh rupees। पवन देशपांडे को भी मिलेंगे 20 lakh rupees। और फाइनली शाहबाज अहमद, उन्हें भी मिलेंगे 20 lakh rupees इस साल आईपीएल खेलने के लिए। तो ये था आरसीबी टीम का स्क्वाड। हमने देखा कौन ऐड हुआ है इस टीम में, कौन ट्रेड हुआ है और कौन रिटेन हुआ है, और हमने ये भी जाना कि किसको कितना सैलरी मिलने वाला है इस साल आईपीएल खेलने के लिए। तो आरसीबी टीम अभी तक एक भी आईपीएल नहीं जीती है, तो क्या नए चेहरे जिता पाएंगे आरसीबी टीम को, आपको क्या लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। इस साल आपका फेवरेट टीम कौन है आईपीएल में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।